जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांड रॉकेट भी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशली ये कुछ भावनात्मक वीडियो है, क्योंकि बार बार मेरे से लड़कों के लिए तो कोई नहीं पूछ रहा, लड़के तो कोई नहीं पूछ रहे, क्योंकि लड़के तो सारे मुस्टंडे होते ही होते हैं मेरी तरह की, उनको कोई सी भी जॉब मिल जाए वो कर लेंगे बेड़ा पार। लेकिन लड़कियाँ बार बार मेरे से इंस्टाग्राम पर भी ये क्वेश्चन पूछती है और सही कमेंट बॉक्स में भी ये पूछती है कि सर SSC की जो जॉब है SSC GD वो लड़कियों के लिए कैसी है। और कईयों को मैं इधर बोलता हूँ तो वो बोलते हैं सर आप इतना मोटिवेट करते हो, आप इतना बताते हो, ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में जॉब में जाके हमको पछताना पड़े या पता नहीं कैसी जॉब में हम फंस जाएं, हमको पता नहीं है इसके बारे में। तो आज का ये वीडियो स्पेशली पूरा फॉर गर्ल्स है कि आपको मैं बता दूँ कि लड़कियों के लिए SSC जो GD का जॉब है वो कैसा है, इसकी जो हकीकत है वो बताने वाला हूँ मैं। वास्तविकता से बिल्कुल आपको रूबरू करा दूँगा कि किस प्रकार का ये जॉब है। साथ ही बता दूँ जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिसमें नए नए जॉब की कौन कौन सी नई वैकेंसी आ रही हैं उसके बारे में, साथ ही मैथ और रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू चल रही है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बात करते हैं कि SSC GD का जो जॉब है वो लड़कियों के लिए कैसा है। ज़्यादातर जो मेरे से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं CRPF के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ITBP के कम ही क्वेश्चन आते हैं कि ITBP का जॉब लड़कियों के लिए कैसा है। CRPF के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में BSF के भी आते हैं, CISF और SSB के बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी इन जॉब में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, और मतलब रियल में ये जॉब कैसा है लड़कियों के लिए, कुछ तो मेरे को ये मतलब मजबूर कर देना है कि भाई आप ऐसा बताइए कि अगर आपकी मतलब सिस्टर होगी तो आप उसको इनमें से क्या गाइड करोगे, अगर आपकी सिस्टर को या फोर्स इन फोर्स में से अगर किसी में ज्वाइनिंग मिलती है तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको ज्वाइन करने दोगे या नहीं। तो ये क्वेश्चन कल किसी ने मेरे से कहा था तो इसका भी मैं जवाब दूंगा कि अगर मेरी सिस्टर होगी तो मैं उसको वो जॉब करने दूंगा या नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब आप लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि वास्तविक इसमें जॉब की क्या है। क्योंकि आप बाहर से सुनते हो कुछ स्टेट पुलिस से इसको कंपेयर करते हैं कि स्टेट पुलिस में जाएं या इसमें जाएं, तो जॉब कैसा है या जॉब के चाहे CRPF BSF इनके, अब मैं अलग अलग एक एक जॉब लेता हूँ। देखो CISF की जो ड्यूटीज़ है वो तो आपको पता ही है कि ड्यूटीज़ क्या है CISF की, इंडस्ट्रियल एरिया साथ में एयरपोर्ट मेट्रो ये ड्यूटीज़ होती है CISF की, नॉर्मल ड्यूटीज़ होती है, ये ड्यूटी लड़कियों को करनी होती है। एयरपोर्ट पे ड्यूटी करती है लड़कियाँ, आपने देखा होगा, मेट्रो में भी करती हैं और इंडस्ट्रियल एरियो में भी कई जगह करती हैं, लेकिन ज़्यादातर पीसफुल एरियो में ही रहती है CISF ड्यूटीज़ करती हैं। SSB में भी सेम है, SSB भी लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी फोर्स मानी जाती है, मतलब CISF से भी ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं SSB को लड़कियों के तौर पर, कि लड़कियों के लिए SSB सशस्त्र सेना बल सबसे अच्छी फोर्स है। तो लड़कियों के लिए वो जॉब कैसी, उसमें भी जो ड्यूटी होती है ज़्यादातर पीसफुल एरिया में होती है, आपको कोई डिफिकल्ट ज़्यादा हार्ड एरिया में, क्योंकि SSB की खुद की भी ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया में ड्यूटी नहीं होती, जैसे नक्सलाइट एरिया इनमें ड्यूटी कम ही होती है, ज़्यादा ड्यूटी नहीं होती, ज़्यादा ड्यूटी CRPF की होती है, तो वो ड्यूटी भी अच्छी मानते हैं, इसलिए इन दो के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि ये जॉब कैसी है, क्योंकि इनके बारे में शायद उनको पता नहीं, लेकिन उनको इतना पता कि पीसफुल एरिया में रहती और फैमिली परमिशन भी होती है साथ में रखनी। तो अब ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो BSF CRPF और ITBP के कम आते हैं, क्योंकि ITBP के कैंडिडेट्स बहुत कम हैं जिन्होंने ITBP चॉइस ज़्यादा कर रखी। तो ITBP की ड्यूटी आपको पता, मैंने ITBP पे मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है जिसमें मैं बताने वाला हूँ ITBP की लड़कियाँ इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो फोर्स है और अरुणाचल से जो उत्तराखंड से अरुणाचल तक जो बॉर्डर लगता है लद्दाख से, इसमें जो हिमालय की चोटियों पे यहाँ पे जहाँ लड़कियाँ लड़के ड्यूटी करते हैं जो तिब्बत बॉर्डर की, वहाँ पे लड़कियों की भी कुछ चौकियाँ लड़कियाँ भी वहाँ पे ड्यूटी करती हैं, तो फोर्स की मेंबर बन के ही ड्यूटी करती हैं। अब जो CRPF के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं BSF के बाद, BSF के बारे में आपको मोटा पतला थोड़ा सा पता ही है ज़्यादातर कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में ज़्यादातर बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं लड़कियों का, मैंने विशेष वीडियो भी बना रखा है कि BSF में लड़कियों की ड्यूटियाँ क्या होती है। तो जैसे पीसफुल एरिया ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड कोई एरिया नहीं है, जैसे बॉर्डर पर भी लड़कियाँ ड्यूटी करती हैं, जैसे जैसलमेर बॉर्डर है या जम्मू है, और साथ में ग्रुप सेंटर ट्रेनिंग सेंटर या पीसफुल इलाकों में इलेक्शन ड्यूटीज इनमें भी लड़कियां ड्यूटी करती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं CRPF के बारे में कि सर हमको CRPF मिल जाए, क्यों आते हैं, क्योंकि CRPF को आपको सबको पता CRPF की जो ड्यूटी है नक्सल एरिया जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड यहाँ सबसे ज़्यादा CRPF, कश्मीर आतंकवादी इलाका वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा CRPF है। अब उसका मैं एक रीज़न बता दूँ, CRPF मैंने बताया कि केवल भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है, मतलब 300,000 से भी ज़्यादा बड़ी फोर्स है CRPF की, तो इसकी जो ड्यूटियाँ रहती है वो काफ़ी पूरे देश में फैली हुई है। अब जो लड़कियों की जो ड्यूटी रहती है इसमें, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि इसमें लड़कियों की ड्यूटी कैसी रहती है, तो
तो मैं बता दूं कि जो ऐसे ऐसे कोबरा कमांडो, ये भी आता है कि कोबरा कमांडो बन सकती है कि नहीं बन सकती, वैसे कोई विशेष कोबरा कमांडो के लिए लड़कियों की ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन आपको अपनी वॉलंटियर होकर अगर देना चाहे तो वो बन भी सकती है। जैसे एनएससी कमांडो भी बनती है लड़कियाँ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा था कि लड़कियाँ एनएससी कमांडो बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है एनएससी कमांडो लड़कियाँ, अभी 5 साल एनएससी कमांडो बन सकते हैं, तो ज़रूर बन सकते हैं। तो सीआरपीएफ की जो ड्यूटी होती है, आपको मैं बता दूं कि आपके नक्सलाइट एरिया में ड्यूटी नहीं होती, और होती भी है तो आप ऑफ ड्यूटी नहीं करते, जो ऑफ ड्यूटी करते हैं कोई अपनी इच्छा से, जैसे वो एक डीएसपी है सीआरपीएफ के, किरण नाम से डीएसपी है, तो वो ज़रूर आपने इंटरव्यू में देखा होगा, तो वो ज़रूर ऑफ ड्यूटी करते हैं कोबरा के साथ में, वो उनकी इच्छा से करते हैं, उनको गौरव होता है, प्राउड होता है, तो वो अपनी इच्छा से करते हैं। तो वैसे अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है, बाकी आपको कोई स्पेशली फोर्स करके किसी टिपिकल एरिया में, इतने टिपिकल एरिया में जहाँ पर जवान भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वहाँ पर लड़कियों की ड्यूटी नहीं होती है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बार बार आप मेरे से ये क्वेश्चन ना ही करोगे सीआरपीएफ में लड़कियों की ड्यूटी कैसी, जैसी सीआईएसएफ में, जैसी एसएसबी में, जैसी बीएसएफ में, जैसी आईटीबीपी में, वैसी ही ड्यूटी सीआरपीएफ में लड़कियों की होती है, कोई फ़र्क नहीं होता ड्यूटीज़ में। जो लड़कों की ड्यूटी है वैसी होती है, लेकिन थोड़ा कि डेंजर एरिया में रहते हैं, तो लड़कियां का ऐसा नहीं। आपको मैंने बताया था अभी लड़कियों की ड्यूटी कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी सीआरपीएफ में बटालियन है, वो मैंने बताया था, उनमें से कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे मतलब बहुत ही रिस्क हो और बहुत ही खतरनाक, मतलब ज़्यादा ही रिस्क इलाका हो, और वहां पर ऑफ ड्यूटी जैसे जंगल ड्यूटी जाते हैं ऑफ में, तो ऐसा कहीं नहीं जाती है। ये मैं आपको बता दूं कि जंगल में ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, या कश्मीर में आरओपी ड्यूटी, मतलब जो रोड पे जो ड्यूटी लगती है जवानों की, वहाँ पे ड्यूटी लग रही है, ऐसी ड्यूटी सीआरपीएफ में लड़कियों की नहीं लगती है। जो लगती है वो जैसे महिला बटालियन हो गए, कहीं सेक्टरों में, या जो छोटे मोटे काम होते हैं उनमें लगती है, या जो ग्रुप सेंटर है इनमें लगती है, या ऑफिस वर्कों में लगती है, या जहाँ पे सीआरपीएफ जैसे हेडक्वार्टर है, सीजी ऑफिसियो दिल्ली, ऐसी जगह ज़्यादातर ड्यूटियाँ लगती है, जैसे अजमेर GC2 GC1 वैसी जगह ज़्यादातर ड्यूटी होती है, या कहीं कंपनियां भी रहती है, तो मतलब नॉर्मल और पीसफुल एरिया में ही ड्यूटी रहती है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहे सीआरपीएफ में। अब ये क्वेश्चन की कि अगर फोर्स की जॉब है कैसी, और अगर मेरी सिस्टर अगर इस जॉब में आए तो क्या मैं उनको जॉब करने दूंगा या नहीं करने दूंगा। देखो ये दो चीज़ पर डिपेंड करती है, उसकी तैयारी पर। पहली बात, अगर मेरी मान लो अगर मैं अपनी सिस्टर की लेके अगर ये बात बोलूँ तो उस पर डिपेंड करती है कि मुझे लगता है कि अगर वो और ज़्यादा तैयारी कर सकती है या और ज़्यादा मेहनत कर सकती है, तो मैं उसको ज़रूर नहीं फोर्स करूँगा कि फोर्स की जॉब करे। अब डिपेंड करता है कि उसका खुद का सपना हो फोर्स में जाने का, तो फिर मैं रोकूंगा भी नहीं भाई। उसका खुद का, किसी को फौजी वर्दी पहनने का सपना होता है, मैंने पहनी है, मैं बीएड करके भी फौज में भर्ती हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि भाई मेरे को फौजी बनना ही बनना है चाहे कुछ भी हो। तो अगर किसी को ऐसा सपना है तो उसको रोकूंगा भी नहीं। अगर मेरी सिस्टर होगी, अगर वो बोलेगी मुझे फोर्स की जॉब करनी ही करनी, तो उसको रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर उसकी तैयारी और बढ़िया लेवल की है, उसकी तैयारी और अच्छे लेवल की है, और वो और भी कोई पेपर फाइट कर सकती है, तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगा कि आप रैंक में आप तैयारी करिए अभी, और कुछ दिन और तैयारी करिए। अब अगर उसको फोर्स ज्वाइन करने का इच्छा है तो कर सकती है। फोर्स की जॉब और सिविल जॉब में क्या अंतर है? देखो, फोर्स की जॉब में फैमिली से आपको दूर रहना पड़ता है, ये बेल्ट की जॉब है, इसमें बाय ऑर्डर हर चीज़ ऑर्डर से चलती है, चाहे आप कहीं पर भी रहो इसमें ऑर्डर ही होता है। फोर्स की जॉब में क्या होता है कि फैमिली से आपको थोड़ा सा दूर कर देती है भाई। मैंने बोला था आपकी फैमिली परमिशन मिलती है, लेकिन कंटिन्यू आप फैमिली के साथ रहो ऐसा नहीं बोला था। तो सिविल जॉब जैसे टीचर की, तो उसमें क्या है, आप पढ़ा के आ गए फिर वापस अपने घर आ गए, दिन में गए फिर वापस अपने घर में आए। फोर्स में ऐसा नहीं है, आप मान लो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, आपको ड्यूटी आ गई, आपको इलेक्शन ड्यूटी कहीं पर भी भेज सकते हैं। अगर आप इलेक्शन ड्यूटी में अपनी फैमिली को साथ में लेके थोड़ा ना घूमोगे, एक स्टेट में आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन रहोगे, तो आप साथ में थोड़ा ना लेके घूमोगे अपनी फैमिली को, ऐसा नहीं है। तो फोर्स की जॉब में ये सब है कि आपको थोड़ा सा फैमिली से दूरी, जैसे जवान रहते हैं कि भाई आपको साल में 3 महीने मिलते हैं अपने परिवार के साथ बिताने को, और 20 साल की नौकरी में 10 साल तक आपको फैमिली के साथ रहने का मौका भी मिल जाता है, फैमिली रखने का मौका भी मिल जाता है। लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो पीसफुल एरिया में रहती है तो ज़्यादा मिल जाता है। बाकी और कोई जॉब में प्रॉब्लम नहीं है, जॉब ये नहीं है कि इतनी हार्ड है कि नहीं कर पाती, नहीं, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब मानसिक रूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी जॉब है, बेल्ट की जॉब। अगर आप सही, जग सही, आप गलत, जग गलत, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर आप खुद सही हो तो मेरे ख्याल से जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स की जॉब अच्छी है, प्राउडफुल जॉब है, लेकिन वही बात है, वास्तविकता ये है कि आपको फैमिली से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, बच्चे से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप हर टाइम तो किसी ग्रुप सेंटर में या उसमें नहीं रह सकते। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 20 साल में से आपको 10 साल को अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता ही मिलता है, उसके अलावा साल में 3 महीने की आपको छुट्टी मिलती है, प्रेगनेंसी की अलग से 6-6 महीने की वो छुट्टियाँ वो अलग होती है, जो 3-3 महीने की वो छुट्टियाँ वो अलग होती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम में 2 बच्चों तक, तो वो अलग अलग प्रकार की छुट्टियाँ भी मिलती है, वो सब सुविधाएँ हैं।
लेकिन जॉब में कोई कमी नहीं है, ना जॉब गलत है, ना जॉब में कोई कमी है, या डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पता नहीं ऑर्डर कैसे होते हैं या ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है तो जॉब कैसे, ऐसे कोई पर्सनली किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं होता है। सिर्फ फोर्स से ड्यूटी से संबंधित आपको ऑर्डर हो सकता है कि आपको इस टाइम पर ड्यूटी जाना है, इस टाइम पर आना, ये इस प्रकार के ऑर्डर होते हैं। और ये भी नहीं कि किसी स्पेशली केवल आपके लिए कोई अलग से ऑर्डर बना दे, ऐसा भी नहीं होता। जो सभी के लिए चलता है वही ऑर्डर आपके लिए चलता है। तो उस सेफ्टी वाइज ये फोर्स की जॉब में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छी जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है तो उसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। बस यही है कि बेल्ट की नौकरी में आप चाहे पुलिस की कर लो, चाहिए ड्यूटी 24 आवर्स रहती है, पुलिस में भी आपको किसी समय कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, और चाहे यहाँ पर कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको 24 आवर ड्यूटी के लिए तैयार रहना है, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देश की सेवा कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो त्याग करना पड़ेगा भाई। टीचर भी पढ़ाते हैं और एक फौजी ड्यूटी करता है, तो फौजी को क्यों बोलते हैं कि देश की सेवा कर, क्योंकि वो त्याग करता है अपने परिवार से दूर रहने का। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो आपको प्राउड चाहिए वर्दी का, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। बाकी जॉब में कोई कमी नहीं है, जॉब बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत ही अच्छी जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली प्रकार के। अगर आपने कुछ गलत बातें अगर सुनी है तो मैं बता दूँ, उस प्रकार का कुछ नहीं, वो बाउंडर चलते रहते हैं हर जगह। 100 में से 1 आदमी गलत रहता है, एक सही रहता है, वो तो आप सिविल में भी देखते हो। बाकी कोई पर्सनली तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई पर्सनली आदेश होते हैं कि भाई आपको ऐसा करना है करना, आदेश सभी के लिए सेम होते हैं, वो सभी करते हैं, वही आपको करना, अलग से आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर मेरी सिस्टर भी होगी तो अगर वो ज्वाइन करना चाहेगी तो मैं तो मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर उसकी तैयारी अच्छी है और तैयारी करनी चाहिए तो उसके लिए मना नहीं करूँगा, और उसका सपना अगर ज्वाइन करने का तो मैं तो मना नहीं करूँगा।